गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू मनी व्लॉग। तो गाइज, आज को जो व्लॉग होने वाला है वो ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला, ना कोई ऐसा व्लॉग होने वाला घूमने वाला। आज को जो व्लॉग होने वाला है वो कमेंट का क्वेश्चन का जवाब होने वाला है। ये रॉक्सी है, बैठ जा बैठे। तो मैंने एक वीडियो डाल दी थी अब से एक साल पहले, रोड जब ये रॉक्सी ने अपने बच्चे दिए थे तब मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो उसी का ही आज आपको मैं रिप्लाई दूंगा। रॉक्सी से डाउन डाउन, वेरी गुड। तो इसमें से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो चार पांच कमेंट मैंने सेलेक्ट करी है, उसके जवाब मैं आपको देता हूँ, तो बेहतर होगा आप सारे आराम से सुन पाओ। जो भाई ट्रैवल से जुड़ा हुआ है मेरे व्लॉग में, तो वो कृपया करके चले जाए, आपको थोड़ा बोर लगेगा। पर जो डॉग से रिलेटेड वीडियो को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। तो चार पांच कमेंट मैंने ऐसे सेलेक्ट करी है जिसमें सबका मतलब आंसर लगभग मिल जाएगा, और जिसका रह गया हो तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो भाई पहला क्वेश्चन है आर्मी मोटिवेशन वीडियो की तरफ से, और ये विश किया इसके कि मुझे चाहिए भाई बताओ पैसे से दोगे या फ्री में। तो भाई पैसे से तो मैं बहुत कम देता हूँ, फ्री में ज़्यादातर मैं दे देता हूँ सबको। इसका कुछ होता है कि करने के लिए कुछ बोलता हूँ मैं, वो आपको करना पड़ता है, एक टास्क होता है वो पूरा करना पड़ता है, फिर मैं फ्री में दे देता हूँ। मैंने दिए भी हुए हैं, दो को मैंने दिए हुए हैं, एक ने मुझे वापस कर दिया था और एक ने बेच दिया था, तो इन चीज़ों से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, इसका भी बताऊँगा फिर कभी मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन था आपका दही के साथ क्या था। तो भाई दही के साथ आप कुछ भी दे सकते हो, पेडिग्री दे सकते हो, स्टार्टर दे सकते हो, फीड दे सकते हो, कोई भी खान रोटी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो दही के साथ। दूसरा क्वेश्चन था रोशन गौडे की तरफ से, व्हाट वाज वेट एट 50 डेज एगो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी का था कि भाई 35 दिन का हो गया क्या वेट है, 50 दिन का हो गया क्या वेट है, कितना वेट होना चाहिए। तो देखो एक 2 महीने की, जब तक बच्चा 2 महीने का होता है, 2 से 2.5 महीने तक का, तो 9 से 10 kg वेट इनफ होता है। और बहुत से का ऐसे भी होता है कि शुरू शुरू में ना वेट बहुत कम होता है, बहुत पतले होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कभी कभी बच्चों में ऐसा हो जाता है, पर खिलाव पिलाव सही करोगे, मदर का फीड आप दोगे अच्छा, तो बढ़िया ग्रोथ पाएगा। तीसरा क्वेश्चन था कल्पना राजेश की तरफ से, भाई मुझे भी किसी ने फीमेल पप्पी गिफ्ट किया है, मुझे नहीं पता इनको कितना खाना देना चाहिए। तो मैडम डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, बच्चा कितना बड़ा है। अगर बच्चा छोटा है मतलब 2-2.5-3 महीने का, तो आप उसको एक मुट्ठी इतनी सी स्टार्टर दे सकते हो। स्टार्टर को पहले पानी में भिगो लेना, फिर वही पानी पहले उसको थोड़ा पिला देना, फिर उसमें हल्की 2-3 चम्मच दही मिला के उसको दे देना। और अगर पप्पी बड़ा हो गया है तो उसके हिसाब से ही उसमें लिखा रहता है, जो भी आप स्टार्टर ले कर आओगी उसमें सब लिखा रहता है, एक बार पढ़ो आप तो आपको पता चल जाएगी। और रही बात इनकी केयर करने की, तो मैडम केयर करने का ऐसा है कि कम से कम 3-4 महीने तक पप्पी को बाहर ना घुमाओ, जैसे बाहर घुमाने ले जाते हैं फ्रेश वगैरह करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कराओ, अपने घर में ही कराओ। एक ही ना आदत ऐसी डाल लो कि भाई हाँ यहाँ पे ये फ्रेश वगैरह होंगे, यहाँ पर टॉयलेट करेंगे, बाकी कोई भी गंदी आदत मत इनको डालना। और दूसरी बात है इनकी केयर की, तो मैडम इनका केयर अच्छे से करो, कोम वगैरह ले आओ, इनकी बॉल ले आओ, जैसे ये ऊपर बॉल रखी है ऐसी बॉल ले आओ खेलने के लिए, तो आप इनकी अच्छे से केयर कर सकते हो। बैठ जा इसके सेट सेट रॉक्सी। चौथा क्वेश्चन था रजत पंडित का, भाई क्या तुम इन्हें दूध देते हो। नहीं भाई मैं इनको बिल्कुल दूध नहीं देता, और ये पीछे फेर के बैठ के, क्योंकि इसको पता है वीडियो बन रही है, ये थोड़ी शर्माती है, ऐसे औरत शर्माती है ना, ऐसी ये शर्माती मेरी बच्ची। तो इसका क्वेश्चन था भाई क्या तुम इन्हें दूध देते हो। नहीं भाई मैं इनको बिल्कुल दूध नहीं देता, और मैं चाहूँगा भी नहीं आप भी कोई इनको दूध दो। और भाई देखो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि जिसके घर में जगह अगर कम है, जैसे बहुत से शहर वाले आदमी रोटवेलर पाल लेते हैं डॉग गाड़ी की तरह, तो भाई बिल्कुल मत पाल लो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, रोटवेलर शुरू शुरू में बहुत प्यारे लगते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं ना, ये खुद को अपने मालिक, मतलब तुमको ना ये मालिक नहीं समझेंगे, अपने आप को ये मालिक समझेंगे। अगर इनकी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं हुई ना, तो ये बहुत घातक साबित हो सकते हैं। और ऐसे नहीं है कि बहुत घातक साबित हो सके, बहुत प्यारे डॉग होते हैं, बहुत लवर होते हैं भाई, ये बहुत प्यार करते हैं वुमन को, और बच्चों से भी बहुत लगाव रहता है इनका। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई, इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अगर इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई ना तो ये गलत कर सकते हैं आपके साथ भी। और एक बात ये है कि हर किसी के बस की रोटवेलर पालना है भी नहीं, बहुत से आदमी सिक्की में आगे ले जाते हैं,
शौक शौक में आकर ले जाते हैं कि रोट वगैरह पालेंगे, पर उनके भाई थोड़े बहुत दिन पालते हैं फिर वो दे देते हैं, तो किसी को छोड़ देते हैं या किसी को वैसे दे देते हैं। तो भाई वो तो बिल्कुल मत पाल लो, क्योंकि ना मुझे वो अच्छा लगता और ना मैं चाहूँगा कि कोई भी डॉग, मतलब रोट वगैरह छोड़ दो, कोई से भी डॉग लेकर आओ, आप दो तीन महीने उसको पाल रहे हो या एक साल पाल रहे हो, फिर किसी कारणवश उसे दे रहे हो या बेच रहे हो, तो भाई वो बिल्कुल मत करो, लेकर ही मत आओ। जैसे इंसानों को लगाव होता है ऐसे कुत्तों को भी लगाव हो जाता है, तो भाई बिल्कुल भी ऐसा मत करो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और आजकल मेरे पास इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि भाई जब फीमेल डॉग बच्चे देती है तो उन बच्चों को उनके पास रखे या अलग रखे या कैसे रखे। तो भाई इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फीमेल बर्थ करे ना, बच्चों को बर्थ करे, मतलब जैसे बच्चे देती है, तो उसको भाई अच्छे से वॉश करके और कुतिया के पास कम से कम आधा पौना मिनट रख दो, मतलब 30-32 सेकंड के लिए, थोड़ा एक मिनटों के लिए उसके पास रख दो, ताकि उसको चाट ले, उसकी महक ले ले, और तब उसको अलग रख दो। ऐसी जितने जितने बच्चे होते रहे उतने ऐसे ऐसे करते रहो, साफ करते रहो, हल्का चटवाते रहो और अलग रखते रहो। और जब आपका फीड देने का नंबर आए तो बच्चों को उठाओ, फीड दो और फिर वहीं पर रख दो, बच्चों को उठाओ फीड दो वहीं रख दो, ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पारवा होने की, तो पारवा होने का एक मुख्य कारण ये है कि आप अपने बच्चों की साफ़ सफाई नहीं रखते हो, पेशाब पोटी वो करते हैं वहीं करते हैं, वो सब आप वहीं रखते हो। जितने बार फीड कराओगे उतनी बार ही उनका नीचे का चेंज करो, चाहे उस आपने अखबार रख रखा हो उसमें, चाहे आपने कपड़े रख रखे हो, कुछ भी रख रखा हो, वो चेंज होने जरूरी है। और जब वो 25 से 30 दिन के हो जाए तो भाई उनकी वैक्सीनेशन जरूरी है। और वैक्सीनेशन भी ऐसी नहीं गवर्नमेंट के यहाँ चले जाओ या कोई टट्टू ठेलू किसी ने दुकान लगा दी हो कोई ऐसे उस पर चले जाओ, नहीं, वेटनरी डॉक्टर होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर होना चाहिए, उसके पास जाओ, प्रॉपर वैक्सीनेशन लो, तो भाई कुछ नहीं होगा। मेरी विश की थी उसको भी पारवो हो गया था, उसके ऊपर मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो, अगर आप चाहते हो पारवो के ऊपर मैं बनाऊँ एक वीडियो, और आप चाहते हो कि पारवो से कैसे बच सकते हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो आए, तो मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, क्योंकि मेरी विस्की को पारवा हो गया था। विस्की कम, ये विस्की है, इसको पारवा हो गया था, आप देख लीजिए 1 साल की हो गया, कितनी स्पष्ट बढ़िया है एकदम। तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बना कर दूंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, और ठंड हो जाए तो आपसे भी अपना ध्यान रखिए। अगर कोई भी समस्या हो कुत्ते से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है नीचे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कुछ अगर रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।